दोस्तों, जब भी गेहूं की बात आती है तब हमारे दिमाग में अक्सर पंजाब और हरियाणा के खेत आते हैं, लहराते हुए खेत अक्सर आपने फिल्मों में देखे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है, इंडिया का सबसे बेहतरीन गेहूं, सबसे टेस्टी, सबसे स्वादिष्ट और सबसे हाई क्वालिटी गेहूं कहाँ मिलता है? तो वो है मध्य प्रदेश के विदिशा में। इस गेहूं की क्वालिटी इतनी हाई है और इसके टेस्ट भी बहुत अलग है, इसको मार्केट में शरबती गेहूं के नाम से मिलता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये विदिशा का शरबती गेहूं है। आप इसके दाने देख सकते हो कितने बोल्ड और कितने क्लियर है। ये शरबती गेहूं विदिशा में खासकर होता है, मध्य प्रदेश के विदिशा में ये बहुत फेमस है और ये पूरे मध्य भारत, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और इसकी खास बात मैं आपको बताता हूँ। अब आप सोचेंगे कि मैं इसका बीज ले लेता हूँ और अपने खेत में लगा लूंगा। तो देखिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो गेहूं की अच्छी क्वालिटी, इसका टेस्ट जो आ रहा है, मुझे भी पहले ऐसा था, मैंने भी अपने खेत में लगाने की कोशिश की। हालांकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, ऑलमोस्ट क्लाइमेट भी सेम है, लेकिन वो टेस्ट, वो स्वाद, वो फाइन क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स नहीं मिले। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर जगह की जलवायु, वहाँ के पानी, वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करती है। विदिशा में ऐसा क्या है, विदिशा और उसके आसपास के जिलों में ऐसा क्या है, ये बताना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है कि इतना खास वहाँ गेहूँ, इतना टेस्टी गेहूँ होता है। लेकिन अगर आप इस बीज को कहीं दूसरी जगह पे ले जाओगे, अगर सपोज आप हरियाणा के किसान हो, अगर आप बोलते हो ये बीज मैं हरियाणा में लगाता हूँ, तो वो फ्लेवर, वो टेस्ट नहीं मिलता। और ये चीज़ मैंने खुद देखी है। और इस गेहूँ की खास बात क्या है वो मैं अगर आपको बताऊँ तो ये गेहूँ खाने में थोड़ा मीठा सा है और इसमें जब आप खाते हो तो इसका एक अलग आपको टेस्ट आता है जो आपको बाकी किसी गेहूं में नहीं मिलता, इसलिए इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आजकल एक ट्रेंड हो गया है पैकेट वाले आटे लेने का, पैकेट वाले आटे आते हैं मार्केट में बहुत सारे। तो मेरा ये सजेशन है कि मार्केट जाओ, अपने पास की दुकान में जाओ, राशन दुकान पे गेहूं लो, गेहूं को पिसवाओ, घर के पास में आटा चक्कियाँ होती हैं। आजकल मॉल्स में भी मैंने गेहूं और आटा चक्की अंदर ही देखी है, स्पेंसर्स में तो मैंने देखी है डेफिनेटली। तो गेहूं खुद से पिसा करके यूज़ करो। पैकेट फूड, पैकेट आटा में क्या है, किसका आटा है, कैसा आटा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बेटर है इसी तरह आप गेहूं खरीदो, इसको पिसाओ, हो सके तो मांगो कि विदिशा का गेहूं है तो विदिशा का गेहूं दो, शरबती गेहूं विदिशा का है, मध्य प्रदेश का गेहूं लो, उसको पिसाओ, आटा बनाओ और उसकी रोटियां खाओ। तब आपकी सेहत भी अच्छी होगी, मिलावट से भी बचोगे और एक अच्छा टेस्ट भी आपको मिलेगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के यहाँ।